कबीर साहब, एक बहुत फेमस कहावत है कि एनर्जी इन द माइंड ड्राइव्स द एनर्जी इन द बॉडी। तो अगर आपका मन चित्त सब खुश है तो फिर जाहिर सी बात है बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी। आपके विचार इस पर? मैं बहुत आसानी से इसे रखूंगा। देखिए, हमारी ज़िंदगी में दो चीज़ है, एक का नाम है शक और दूसरे का नाम है यकीन। शक नेगेटिविटी से पैदा होता है और यकीन पॉजिटिविटी से पैदा होता है। आदमी कोई भी हो, अगर उसके पास दो आंखें हैं, धड़कता दिल है, हाथ पांव हैं और उसे हर भाषा में इंसान आदमी कहा जा सकता है, तो वो दो ताकतों के बीच में चलता है। या वो शक में रहता है या वो यकीन में रहता है। वो जिस चीज़ में रहता है उसका असर उस पर पूरे तौर पर पड़ता है जी। उसकी बातों पर असर पड़ेगा, इवन उसकी पूजा पाठ पर असर पड़ेगा, इवन उसके खाने पर असर पड़ेगा, हर चीज़ पर उसके शक का असर है। अगर वो यकीन करता है तो हर चीज़ पे उसके यकीन का असर रहेगा। अगर एक यकीन वाला आदमी एक दवा खाता है, आचार्य जी से एक दवा लेता है, डॉक्टर साहब से एक दवा लेता है, तो उस पर ज़्यादा दवा का असर होगा बनिस्बत एक शक वाले के, क्योंकि शक वाला पहले ही शक के साथ एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि जो ठीक नहीं हो सकती। तो मैं ये मानता हूँ एनर्जी उसी वक्त आपकी बॉडी में काम कर सकती है जब आपका शक ख़त्म हो और यकीन उसकी जगह ले ले। और जब यकीन उसकी जगह ले लेता है तो आप यकीन जानिए बॉडी में खुद एक सिस्टम है जिसे सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम कहा जाता है, और वो सिस्टम आपका उसी वक्त काम करना शुरू करता है जब आपके अंदर यकीन आने लगता है, जिसे हम लोग अरबी में हक्कुल यकीन कहते हैं। मतलब एक ऐसा यकीन कि ईश्वर भी उस यकीन को यकीन कहे, यानी उस विश्वास को विश्वास कहे। अगर ऐसा विश्वास है तो आप यकीन जानिए आप के दी हुई डॉक्टर की दवा, चाहे वो किसी भी पैथी की हो, वो वक्त के पहले आपको ठीक करती है। और अगर वो यकीन नहीं है तो आप 2 साल 3 साल 5 साल कोई भी कोर्स कर लें, वो इफ़ेक्ट तो दिखेगा मगर कंटिन्यूशन में उसका असर नहीं दिखेगा। और इस वक्त हिंदुस्तानी आबादी नहीं, दुनिया की आबादी में, इंसानों में विडंबना यह है कि ज्ञान के बाद शक भर गया है। अज्ञानता के साथ शक होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर आज की प्रॉब्लम यह है कि भाई को भाई पे विश्वास नहीं है, पड़ोसी को पड़ोसी पे विश्वास नहीं है, देश को देश पे विश्वास नहीं है, प्रोफेशन वाले को प्रोफेशन वाले पे विश्वास नहीं है, मैं मौलवी हूँ मुझे मौलवी पे विश्वास नहीं है। सो ये चीज़ हमें बहुत सी बीमारियों के शहर में पहुँचा देती है, और जब हम उस शहर में पहुँच जाते हैं तो हमें कोई एक गोली फ़ायदा नहीं देती। उसका रास्ता ही ये है, शहर से बाहर निकलें, यकीन हासिल करें। और मुझे लगता है, जो मेरी अपनी सोच है, कि योग, प्राणायाम, इबादतें, मुनाजातें, दुआ, श्लोक, जिक्र और सुबह उठ के अपने ईश्वर को याद करना यकीन के शहर में दाखिल होना होता है, जब आप सिटी ऑफ द विजडम एंड सिटी ऑफ फेथ में दाखिल होते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही आपने, जब शक और यकीन का फर्क बहुत अच्छा बताया। एंड इसको अगर हम आज की तारीख में जितने ट्रायल होते हैं ना, उसमें दो इफेक्ट होते हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट, एक नोसिबो इफेक्ट। पहले जो ट्रायल होते थे उसमें होता था, जैसे आपने एक दवा खाई और एक शुगर की गोली खाई, दो लोगों को ब्लाइंडली दे दिया दो ग्रुप में, फिर देखते थे कि जैसे जिसने कोई दवा नहीं खाई उसको थोड़ा फ़ायदा हुआ, तो उसको उस शक उसको इस यकीन से फ़ायदा हुआ, एंड वो हम उसको काउंटर करते थे या उसको फैक्टर इन करते थे जब उसका रिजल्ट निकालते थे। आजकल एक और तरीका हुआ है जिसको हम बोलते हैं नोसीबो इफेक्ट। एक आदमी को हमने पहले शुगर की गोली दी, एक को हमने सही दवा दी, तीसरे को हमने दवा दी लेकिन उसको यकीन उसको यह है कि ये दवा नहीं है, उसको वो असर नहीं होता दवा का। तो ये जो आपने बोला शक और यकीन, यकीन बहुत ज़रूरी चीज़ है और बॉडी तभी एक्ट करती है जब आपको यकीन होता है, और पूरी केमिस्ट्री, हमने कहा बायो केमिस्ट्री वहाँ चेंज होती है सेलुलर लेवल पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मन के लिए भी और अपनी हेल्थ के लिए भी, ये बहुत ही साइंटिफिक है। आज की तारीख में जितने ट्रायल होते हैं, यू नो, मल्टीनेशनल मल्टीसेंट्रिक, वो उसमें नोसिबो इफेक्ट और प्लेसिबो, पहले खाली दो होते थे, प्लेसिबो एंड ड्रग इफेक्ट, अब प्लेसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट और ड्रग इफेक्ट, तीन होते हैं। कलबीर साहब, शक और यकीन के अलावा आपका? हाँ देखिए, डॉक्टर साहब ने जो कहा है उसी बात को आचार्य जी ने कहा उससे आगे बढ़ाते हैं, एक ही जुमले में ख़त्म करेंगे। देखिए, इंसान को प्रॉब्लम शुरू होती है जब वो उम्मीद करने लगता है, और जब वो उम्मीद बढ़ा देता है किसी से भी, उसकी ज़ात, हैसियत, शख्सियत, ताकत से ज़्यादा उम्मीद करता है, तो उम्मीद टूटने लगती है। उम्मीद टूटती है तो दिल टूटता है, दिल टूटता है तो बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं, और यकीन कमज़ोर होता है। यकीन टूटता नहीं है, कमज़ोर होता है।
बुरा से बुरा आदमी जो ईश्वर पे यकीन ना करता हो, धर्म पे यकीन ना करता हो, इंसानियत पे यकीन ना करता हो, मगर उसके अंदर फिर भी यकीन रहता है, बस वो धूल हटा के पानी डाल के साफ करने वाला उसे मिल जाए, अगर उसे कोई कबीरा मिल जाएगा तो वो जैसा भी होगा वो फिर यकीन उसका जवान होने लगेगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उम्मीद उससे करे जिसने ये दुनिया बनाई है, जो दुनिया में बना है उससे उम्मीद करना छोड़ दे, सारी हेल्थ ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद ही ना करे, उम्मीद ही ना करे और डिटैच रहे। हमारे एशिया पैसिफिक वास्कुलर सोसाइटी के लिए भी बड़े भाग की बात है कि आप जैसे दो महान शख्स आए और अपने विचार दिए, एंड आई थिंक ये जो जनरल पब्लिक है उसको इससे काफ़ी लाभ होगा और यही सत्य है, उसको इस पर विश्वास होगा।